राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के रांची दौरे ने एक बार फिर से राज्य की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। एक दिन के रांची दौरे पर आई द्रौपदी मुर्मू ने पक्ष और विपक्ष दोनों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। झारखंड में एनडीए विपक्ष में है, इसलिए मुर्मू के स्वागत के लिए विपक्ष के करीब सभी बड़े नेता मौजूद थे, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी काफी गर्मजोशी के साथ द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया। दरअसल आदिवासी समाज से आने वाली द्रौपदी मुर्मू झारखंड मुक्ति मोर्चा से समर्थन मांगने के लिए पार्टी अध्यक्ष शिबू सोरेन से मिलने पहुंची थी। इस दौरान सोरेन के घर पर उनका स्वागत करने के लिए खुद मुख्यमंत्री हेमंत भी मौजूद थे। हेमंत सोरेन ने घर के बाहर आकर उनका अभिवादन किया। इसके बाद द्रौपदी मुर्मू और शिबू सोरेन की मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच काफी देर तक बातचीत भी हुई। द्रौपदी मुर्मू ने सोरेन से राष्ट्रपति पद के लिए समर्थन मांगा। मुर्मू ने कहा कि झारखंड से उनका गहरा नाता रहा है, उन्हें उम्मीद है कि इस चुनाव में झामुमो का उन्हें अहम सहयोग मिलेगा। इस दौरान शिबू सोरेन ने भी द्रौपदी मुर्मू को शुभकामनाएं दी। हालांकि बेहद दोस्ताना माहौल में हुई मीटिंग के बाद भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। पार्टी ने कहा है कि वो जल्द ही अपना रुख साफ करेगी। विरोधी जितने भी पक्ष नेता हैं या राजनीतिक संगठन के लोग हैं, हम सबके घर के दरवाजे में जाके दस्तक देते हैं कि इस बार आपको सद्बुद्धि हो जाए, आप मुझे ही वोट करें। तो ये एक औपचारिकता है और इस औपचारिकता के साथ सबको गुजरना पड़ता है। मीटिंग के अलावा अगर बात करें जेएमएम के रुख पर, कब तक उम्मीद है, कब तक आप साफ करेंगे, आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हम लोगों ने शुरू से कहा है कि यथोचित समय पर यथोचित व्यक्ति के द्वारा आधिकारिक घोषणा होगी, तब तक हम लोगों को, क्योंकि अभी 18 तारीख बहुत दूर है और हमको लगता है कि झारखंड का दामोदर और स्वर्णरेखा में बहुत सारा पानी बहेगा। इससे पहले सोमवार को रांची पहुंची द्रौपदी मुर्मू का झारखंड बीजेपी के नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। एयरपोर्ट पर भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के कार्यकर्ताओं की ओर से द्रौपदी मुर्मू का पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ स्वागत किया गया। इसके बाद रांची के एक होटल में मुर्मू का अभिनंदन किया गया। इस अभिनंदन समारोह में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी मौजूद थे। कार्यक्रम में झारखंड एनडीए के तमाम विधायक और कुछ निर्दलीय विधायक भी मौजूद थे। इस दौरान द्रौपदी मुर्मू ने अपने पूर्वजों को झारखंडी बताते हुए एनडीए के सांसदों और विधायकों से समर्थन मांगा। इसीलिए आप जो मुझे प्यार दिए, सहयोग दिए, पर आज आपके प्यार और सहयोग के कारण शायद मोदी जी ने सोचे कि देश का दायित्व दिया है, देश का दायित्व के लिए काम करने के लिए आप लोगों का भी सहयोग चाहिए। इसे तो जानते हैं, ये रास्ता दिखा दिखाने वाले तो संविधान ही होता है। फिर भी आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सजेशन मुझे बीच बीच में चाहिए। मैं झारखंड को जरूर आऊंगी, क्यों झारखंड मेरे गाँव है। कभी मेरे दादी की स्थिति, मेरा जो पूर्वज झारखंड के लिए द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज से आती हैं। झारखंड भी एक आदिवासी बहुल राज्य है। झारखंड बीजेपी के आदिवासी नेता मुर्मू को उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर उनके समाज को मिले सम्मान के तौर पर प्रदर्शित कर रहे हैं। माना जा रहा है कि झारखंड के आदिवासी वोटर्स को अपने पाले में करने के लिए मुर्मू की उम्मीदवारी एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकती है। ऐसे वर्ग, ऐसे समाज से संवैधानिक पद, जो देश का सबसे ऊंचा संवैधानिक पद है, वैसे वर्ग के किसी को पद से सुशोभित किया। तो मैं मानता हूं कि यह इस देश के इतिहास में
नई अध्याय को जोड़ने का कार्य इस आजादी के अमृत उत्सव पर माननीय प्रधानमंत्री और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष। द्रौपदी मुर्मू के झारखंड में एनडीए के 28 विधायक और लोकसभा और राज्यसभा के 16 सांसदों का समर्थन तय है, जबकि माना जा रहा है कि आखिरी वक्त में जेएमएम के 30 विधायक, जेएमएम के 2 सांसद भी मुर्मू के पक्ष में मतदान कर सकते हैं, जबकि झारखंड कांग्रेस ने पहले ही यशवंत सिन्हा को समर्थन देने का फैसला कर लिया है। अब अगर जेएमएम ने मुर्मू को समर्थन किया तो झारखंड की सत्ताधारी गठबंधन में दरार भी आ सकती है।